जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सीद एनेबलर्स शॉपिफाई लीड। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगा। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि अगर आप एक शॉर्ट टिप के अंदर पूरा शॉपिफाई कंक्लूड करके मुझे बताएं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अपने स्टोर पे सेल करने का, तो आज मैं आप लोगों को वो पॉइंट बताऊंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का शॉपिफाई सेल करने का, वो है आइडेंटिफाइंग कस्टमर बिहेवियर। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करता हूँ। आइडेंटिफाइंग कस्टमर बिहेवियर मीन्स कि हर कंट्री में लोगों का बाइंग का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको दो कंट्रीज की एग्जांपल देता हूँ, एक जर्मनी की और एक पाकिस्तान की। सो जर्मनी में लोग क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, दे विल कंप्रोमाइज ऑन द प्राइस। आप उन्हें $10 का प्रोडक्ट जो है वो $20 का सेल करें, $20 का प्रोडक्ट $30 का सेल करें, दे स्टिल परचेज फ्रॉम यू अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर हायर क्वालिटी के रिव्यूज मौजूद हैं तो। सो अब जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं पाकिस्तान का बिहेवियर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हम लोगों की आदत है हम दराज रोड पीके के ऊपर भी जाते हैं, सबसे पहले सॉर्ट बाय लोएस्ट प्राइस पे क्लिक करते हैं, जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट होता है वहां पे वो बाय करते हैं। सो हमारी जो प्रोडक्ट की सिलेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर बिहेवियर होनी चाहिए। हम जिस कंट्री में भी सेल करें वहां के कस्टमर का बाइंग पैटर्न आइडेंटिफाई करना, और बाइंग पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उस प्रोडक्ट को इनिशिएट करना है। सो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर अपना हमेशा एक एडिशनल पॉइंट ऐड करें, वो एडिशनल पॉइंट का मतलब यह है कि आइडेंटिफाइंग कस्टमर बिहेवियर। सो डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट बाइंग पैटर्न हैं, आपने सिर्फ उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। होपफुली दिस वीडियो विल वर्क फॉर यू। इंशाल्लाह आपके लिए फर्दर ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको लोगों को मैं बताऊंगा कि भाई आपने कैसे इंडिविजुअली हर कंट्री के बाइंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।